जी माता दी, राधे राधे। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की संपूर्ण पूजन विधि। पहली बार रख रही हैं अहोई अष्टमी का व्रत, तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान। अहोई अष्टमी हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जिसका पारण तारों को अर्घ देने के बाद किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा की जाती है। इससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार इस साल 24 अक्टूबर 2024 को अहोई अष्टमी का उपवास रखा जाएगा। इस दिन साध्य योग और पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इस योग में अहोई माता की पूजा अर्चना करने से संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं पहली बार अहोई अष्टमी का व्रत कर महिला के लिए बेहद खास होता है, परंतु व्रत में कई नियमों का पालन भी किया जाता है, जिससे व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। ऐसे आइए अहोई अष्टमी व्रत के नियमों के बारे में जानते हैं। यदि आप पहली बार अहोई अष्टमी का व्रत रख रही हैं, तो याद रखें कि दिन दोपहर में सोने से बचें। आप दिन में अहोई माता के भजन कीर्तन करें, ऐसा करना बहुत ही फलदायी होता है। पहली बार इस उपवास को रखने वाली महिलाएं ध्यान रखें कि व्रत में सुई, कील जैसी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। अहोई अष्टमी व्रत में अहोई माता की कथा जरूर सुने, साथ ही विधि अनुसार उनकी पूजा अर्चना करें। इस दौरान संतान को अपने साथ रखें, इससे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। व्रत का पारण रात में तारों को अर्घ देकर करना चाहिए। इस दौरान अर्घ देने के लिए चांदी से बने लोटे का इस्तेमाल करें। अहोई माता की पूजा के लिए बनाए गए प्रसाद को संतान को जरूर देना चाहिए, इससे देवी की कृपा जीवन पर बनी रहती है। अहोई अष्टमी पूजा विधि। अहोई अष्टमी की पूजा का विधान सायंकाल प्रदोष वेला में करना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर उपवास रखने के बाद संध्या काल में सूर्यास्त होने के उपरांत जब आसमान में तारों का उदय हो जाए, तभी पूजा आरंभ करें और रात्रि में चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दान करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर की एक दीवार को अच्छे से साफ करें और इस पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं। इस तस्वीर को बनाने के लिए गेरू या कुमकुम का उपयोग करें। इसके बाद घी का दीपक अहोई माता की तस्वीर के सामने जलाएं, फिर पकवान जैसे हलवा, पूरी, मिठाई आदि का भोग अहोई माता को लगाएं। इसके बाद अहोई माता की कथा पढ़ें और उनके मंत्रों का जाप करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि अहोई माता आपके बच्चों की हमेशा रक्षा करें। अहोई अष्टमी के मंत्र। अहोई अष्टमी से 45 दिनों तक ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः का 11 माला जाप करने से संतान से संबंधित सारे कष्ट मिट जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।